परा चौक की। देखो भाई साहब, बारिश का पानी है सीवरेज का? ये बारिश और सीवरेज का दोनों का पानी है भाई। देख लो, ये प्रशासन का ये हाल है भाई साहब। कौन सा एरिया रोहतक का है? रोहतक सुपरा चौक की है भाई साहब। ये रोहतक सुपरा चौक। चप्पल टूट गई क्या? चप्पल टूट गई, आते आते गिर गए, चार पांच कस्टमर उधर पड़ गए भाई। अच्छा, कब है? क्या नाम आपका? हमारा नाम मुकेश है जी। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीन चार कस्टमर गिर गए, हम लेकिन निकलने लगे, अभी आपके सामने पड़ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे पैर में मोच आ गई भाई। ये देखो, ये फूट गया, ये फूट गया भाई, ये फूट गया भाई। चोट लग गई है? तो चोट कसके लग गई भाई, पैर में मोच आ। कौन जिम्मेवार है इसका मुकेश? इसके जिम्मेवार सरकार है, प्रशासन है भाई, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है भाई। ये हाल है। वोट देते टाइम नहीं सोचा क्या? अब कुछ नहीं देना है भाई। अब तो भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा करा रहा अभी का? जो करेगा वो वही करेगा भाई। यहाँ अयोध्या से चली गई, यही कार्रवाई, यही यही चीज है जो चली गई वहाँ, और कोई बात नहीं है। समस्या यही असली बात है। ये झूठी सरकार है, झूठा वादा, झूठा सब कुछ है भाई। और कुछ देख सकते हो भाई, बिल्कुल। आप जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो है, देखो, देखो, जिसके अंदर मुकेश जी खड़े हैं। ये मेरे पैर में चोट लग गई, मोच भी आ गई भाई, और चप्पल, ये 100 रुपए का चप्पल टूट गया। बताओ, 200 रुपए की नौकरी करने वाला 100 रुपए का चप्पल कहाँ से लाएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। 150 रुपए कमा रहा हूँ पूरा दिन में, बर्तन। मुकेश भाई, मोदी सरकार बोल रही है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान भाई। होटल पे बर्तन धोता हूँ, 150 की नौकरी करता हूँ, और 150 रोज पाता हूँ, 150 रुपए की चप्पल टूट गई मेरी। अब इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार है। अरे जब इसको सुधार नहीं करेगी तो और क्या होगा भाई? बिल्कुल, इसका सुधार तो करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन से? प्रशासन से यही कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ ध्यान करे, कुछ सोचे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है भाई। हमारा 150 रुपए का और नुकसान हो गया। एक दाल लेता वो भी नहीं सुना। ये चप्पल टूट गई भाई, ये देखो, ये इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है भाई। ठीक है, ये चोट लग गई अलग से भाई। ये देखो, ये खून निकल रहा है, ये खून निकल रहा है। अब बताओ, ग्राहक, चार पांच ग्राहक इसी में डूब रहे हैं, सब कोई डूब रहा है भाई। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। प्रशासन है, बैठी है छुपाई मारे। चाहे जहाँ चले जाओ, नगर निगम वाले के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और दुकानदारी का क्या हाल है? दुकानदारी तो गई, दुकानदारी खत्म, गया बाय बाय टाटा दुकानदारी के बारे में। साहब चला गया चांद आसमां को छोड़ के, दुकानदारी गई, कुछ नहीं है दुकानदारी में, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 0 पॉइंट। और यहाँ पे जो दुकानदार थे, इन पे ताला कैसे लग गया मुकेश भाई? अरे जब कमाई नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई? अरे कुछ कमाई होगी तभी तो वो कुछ करेंगे। खोल के बैठे रहो साबर दिन साबर रात बैठे रहो, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने परसों नर्तों में जाम लगाया जी, जी। आया भाई, खुलवा दिया, पब्लिक बिल्कुल बोली हटाओ हटाओ हटाओ। बिल्कुल, अरे तो कम से कम नगर निगम वाले के पास भी तो जाना चाहिए कि इसका समाधान कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं भाई साहब, सब कुछ बेकार सरकार है। ये देखो, ये झाड़ू लग रही है, ये झाड़ू मार रहे हैं। ये देखो, ये झाड़ू मार रहे हैं, ये काम हो रहा है। ये भाजपा सरकार बोल रही है कि मत्स्य पालन पर सब्सिडी मिल रही है। अरे मच्छर पालन पे नहीं, हम तो करें मक्खी, वो क्या नाम, मच्छी पालो, मच्छी इसमें लाके मच्छी छोड़ दो और डगर लगाओ, जाल मारो, जाल बहाओ इसमें। प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसमें लाके मच्छियाँ छोड़ दे। रोहतक को झीलों का शहर बताया जा रहा है। रोहतक को झीलों का शहर बनाया गया? झीलों का शहर बनाए, मच्छर का शहर है ये, जो मच्छर पाल रहे हैं, मच्छर का शहर है, कोई शहर नहीं है भाई साहब। चलो ठीक है मुकेश, ठीक है भाई जी। ओके ओके।